लोगों को उनके बुनियादी मोटिव्स का नहीं पता। तो बेसिकली जितना मैंने पढ़ा है फेमिनिज्म के बारे में, तो फेमिनिज्म बेसिकली एक अर्ली 90s में एक मूवमेंट थी जो शुरू हुई थी, और जिसमें उनके जो बुनियादी जो मकसद था उसका, वो ये था कि वो खवातीन में एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते थे और उनको यानी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाना चाहिए कि खवातीन को नहीं मिलती हैं, और अगर मेरिट पे मिल भी जाएँ तो उनको उस हिसाब से उसकी यानी पे ऑफ नहीं किया जाता। आपने कहा कि हम बचपन में तो हम किस तरह एक वुमन को पोर्ट्रे करते थे, तो हमें यही दिखाया जाता था हम सबसे पहले अपनी मदर को देखते हैं कि उन्होंने हमें पाला पोसा, हमें हमारी टेक केयर किया, हमें परवरिश की और एक अच्छी परवरिश की, कोशिश की कि ताकि हम सोसाइटी के अंदर एक अच्छे पर्सपेक्टिव से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपने अब दूसरे सवाल के ऊपर आ सकते कि अपने घर जो पेरेंट्स वगैरह या अपने मदर को या सिस्टर को देखा जाए तो उनका क्या इस तरह रहता है कि उनका ही कोई किरदार तो नहीं इस चीज़ में करते हुए, तो उसमें दो किस्म की चीज़ें आती हैं। अगर एक ऐसा मेल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमें ये सिखाया जाता है कि आपने बड़े होना, कमाना है, अपनी ज़िंदगी एक खुद बनानी है, कमा के लाइफ को सेटल करना और अपनी फैमिली बनानी है। फीमेल पर्सपेक्टिव के साइड पे ये देखा जाए कि तुमने बड़ा होना, पढ़ना है और तुम्हारी शादी हो जाएगी, दूसरे घर चले जाएंगे और तुम्हारा जो भी ख्याल रखा जाएगा, जो भी चीज़ होगी तुम्हारी वहाँ पर होगी। और एक अक्सर मुहावरत एक चीज़ कहा जाती है कि जहाँ तो तुम खुशी से रहो वापस तुम चार कंधों पर जाओ, मतलब मैया थी वापस आई, तो इस पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। तो अगर देखा जाए तो ज़्यादा परवरिश करने वाली माएँ होती हैं और अच्छी माएँ अच्छी परवरिश करती हैं, और ये भी मैं कह रहा कि दूसरी जो बुरी माएँ बुरी माएँ यही मैं कह रहा, लेकिन एक पर्सपेक्टिव है कि वो एजुकेट है या इंटेलेक्ट है, उनके पास ये अगर नॉलेज है इन्फॉर्मेशन है तो वो उसी के मुताबिक उनकी राय परवरिश करें। मेरे जहन में एक आइडिया आया, खैर मेरे जहन में तो नहीं, हमारे एक बहुत ही अजीज हमारे हैं दोस्त मोहसिन साहब, उन्होंने एक आइडिया दिया कि क्यों ना हम खवातीन के तो ज़रूर उनकी राय लेते हैं इस चीज़ में क्योंकि इशू ही उनका है, तो वाई डोंट वी टॉक टू मैन अबाउट दिस कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। तो ये मुझे बहुत फ्रेश पर्सपेक्टिव लगा, और फिर हमने सोचा कि हम डिफरेंट एज रेंज के जो हैं मेल मेम्बर्स जो हैं हमारी सोसाइटी के, हम उनसे बात करेंगे आज। तो आज मेरे पास जो मेरी एज रेंज के दो मेम्बर्स हैं, मेरे प्यारे दोस्त प्लीज आप दोनों अपना इंट्रोडक्शन भी दे रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्या करते हैं, किस फील्ड में, प्लीज टेल द ऑडियंस। जी बेसिकली मेरा ताल्लुक जो है वो, वैसे तो मैं स्टूडेंट हूँ लेकिन इनडायरेक्टली मेरा ताल्लुक जो है सहाफत से ही है और इसी को मैं आगे लेके चल रहा हूँ। बेसिकली मैं भी स्टूडेंट हूँ और 7th सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ, और लेकिन जो मेरा मेन चीज़ है वो जर्नलिज्म भी है, फ्रीलांस जर्नलिज्म पे। अच्छा अच्छा, और उसी को लेके फिर आगे भी चलना है। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊँ कि मोहिब हमारे स्कूल में साथ थे, हम क्लासमेट्स थे, मैंने सोचा कि अपने बचपन के दोस्त को आज दोबारा बुलाया जाए इस टॉपिक पे बात करने के लिए, तो हम एक ईजी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने ऑब्वियसली आप लोग इंस्टाग्राम यूज़र हो, ट्विटर यूज़र्स हो, तो आप मुझे बताओ कि आप जब ट्विटर वगैरह देखते हो, सोशल मीडिया देखते हो, तो आपको ये औरत मार्च देखते हो, फेमिनिज्म देखते हो, तो आपके जहन में क्या पर्सपेक्टिव बनता है इस बारे में? जी बेसिकली पहले तो ये देखना चाहिए कि हमारे जो माशरे में ना काफ़ी ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन है इस हवाले से कि इसको फेमिनिज्म को लोगों को उनके बुनियादी मोटिव्स का नहीं पता। तो बेसिकली जितना मैंने पढ़ा है फेमिनिज्म के बारे में, तो फेमिनिज्म बेसिकली एक अर्ली 90s में एक मूवमेंट थी जो शुरू हुई थी, और जिसमें उनके जो बुनियादी जो मकसद था उसका, वो ये था कि वो खवातीन में एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते थे और उनको यानी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाना चाहिए कि खवातीन को नहीं मिलती हैं, और अगर मेरिट पे मिल भी जाएँ तो उनको उस हिसाब से उसकी यानी पे ऑफ नहीं किया जाता। सही है, तो ये कुछ बुनियादी मोटिव्स थे उसमें, जिस जो फेमिनिज्म की फर्स्ट वेव। जो सेकंड वेव थी उसमें जो उन्होंने बुनियादी उनके मोटिव्स थे उसमें उनका ये था कि वो चाहते थे कि जो एबॉर्शन के मसाइल हैं और जो वोट्स के उनको वोट नहीं डाल, तो और रिलेटेड टू चाइल्ड कस्टडी था और डिफरेंट्स यानी उनके जो थे मकासद थे जो वो फंडामेंटल राइट्स। अगर प्रेजेंट को देखा जाए कि हम सोशल मीडिया पे जिस तरह देखते हैं, तो एक साइड पे बहुत कम लोग हैं जो कि बहुत कम लोगों की एक फॉलोइंग है जो कि इसके एक पॉजिटिव इमेज करते हैं, लेकिन हम वाइडर स्पेक्ट्रम पे देखना चाहते हैं। और अगर और लोग वाइडर स्पेक्ट्रम में देखते हैं तो उसी को सच मानते हैं, और वाइडर स्पेक्ट्रम में अगर देखा जाए तो वो नेगेटिव इमेज है फेमिनिज्म की। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह वेस्ट में टाइम टू टाइम, जिस तरह भाई ने बताया कि फर्स्ट वेव, सेकंड वेव एंड थर्ड वेव आई, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी, ये एक बेशक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे भी फर्स्ट वेव, सेकंड वेव एंड थर्ड वेव की तरह ही काम करना चाहिए था।
बिल्कुल यहाँ के मसले में साल हो सकता है थोड़े से डिफरेंट हो, मिलते जुलते हो, लेकिन थोड़े से डिफरेंट है। तो उसी के मुताबिक हमें फिर अपनी आवाम को एक्नॉलेज करना चाहिए था कि वो इसको अपने साथ साथ लेके चले और सिखाए, जिस तरह बेबी स्टेप्स लेते हैं इसी तरह। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपके माशाल्लाह आप लोगों को बड़े होके इस बारे में नॉलेज मिली है, तो अगर हम बचपन के बारे में बात करें तो तब आपको किस किस्म का पर्सपेक्टिव मिला था कि खवातीन के बारे में क्या सोचती हैं आपके ख्याल में? देखिए, बेसिकली जिस माशरे में हम लोग रहते हैं ना, वहाँ ये रिवाज एक किस्म का कायम है कि वहाँ ना ये समझते हैं कि जो खवातीन है ना वो उनकी एक ज़ाती जागीर है, सही है, और वो उनको सरप्रेस करके रखते हैं। अब मेरे मैं अगर आपको अपने घर का एक माहौल बताऊं तो यानी एक मैं ये नहीं कहूँगा कि जो मेरी घर की खवातीन है उनको एक शुरू से ही एक आज़ादी राय का हक था। यानी बेशक हम लोग काफ़ी यानी लिबरल किस्म के हैं, लेकिन हम जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं ना वहाँ पर थोड़ी सी ये डिफ़िकल्टीज आती है कि थोड़ी सी कंजर्वेटिव सोच होती है, सही है, मर्दों की, और वो मर्द चाहते हैं कि हर चीज़ में, चाहे वो ख़वातीन की शादियों के अतबार से हो या उनको पढ़ने लिखने के लिए थोड़ी सी आज़ादी दी जाए, तो इससे थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहते हैं क्योंकि हमारे माशरे में ये शुरू से रहा है। तो हमारा जो मैं समझता हूँ कि हमारा बेसिक ये होना चाहिए कि हम लोग जो है एटलीस्ट इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जो ख़वातीन है वो बजाते खुद भी एक एंटिटी है, सही है, एक आइडेंटिटी, उनकी एक अपनी अलहदा पहचान है। तो उनको उनका ये हक बनता है कि उनको हम लोग उनको यानी थोड़ी सी इस चीज़ में आज़ादी दें कि वो अपने बारे में खुद से फैसले ले सकें, सही है। मुझे ये बताइएगा, सुभान, आपकी तरफ भी हम आते हैं कि आप जिस तरह अगर आप एज अ फ्रॉम अ मैंस पर्सपेक्टिव आप बात करें, राइट, आपको क्या महसूस होता है कि क्या खवातीन भी एक दूसरे का खुद इसमें करती हैं कि अगर कोई मर्द ऐसा सोचता है कि नहीं मेरी बेटी को फलां फलां काम नहीं करना चाहिए, तो क्या माएँ और बेटियाँ इस चीज़ में उनको इनकी हेल्प करती हैं कि उन्हीं की ज़ात को सप्रेस किया जाए? सुभान, व्हाट डू यू थिंक? इसमें ना सबसे पहले मैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ। जी, ऑफ कोर्स। तो पहले क्वेश्चन में जिस तरह आपने कहा कि हम बचपन में थे तो हम किस तरह एक वुमन को पोर्ट्रे करते थे, बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें यही देखा जाता था। हम सबसे पहले अपनी मदर को देखते हैं कि उन्होंने हमें पाला पोसा, हमें हमारी एक टेक केयर किया, हमें परवरिश की और एक अच्छी परवरिश की, कोशिश की ताकि हम सोसाइटी के अंदर एक अच्छे पर्सपेक्टिव से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपने अब दूसरे सवाल पे पर आ जाते हैं कि अपने घर जो पेरेंट्स वगैरह या अपनी मदर को या सिस्टर को देखा जाए तो उनका क्या इस तरह रहता है कि उनका ही कोई किरदार तो नहीं है इस चीज़ में करते हुए, तो उसमें दो किस्म की चीज़ें आती हैं। अगर एक एज अ मेल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमें ये सिखाया जाता है कि आपने बड़े होना, कमाना है, अपनी ज़िंदगी एक खुद बनानी है, कमा के अपनी लाइफ को सेटल करना और अपनी फैमिली बनानी है। फीमेल पर्सपेक्टिव पे साइड पे ये देखा जाए कि तुमने बड़ा होना है, पढ़ना है और तुम्हारी शादी हो जानी, दूसरे घर चले जाना है, और तुम्हारा जो भी ख्याल रखा जाएगा, जो भी चीज़ होगी तुम्हारी वहाँ भी होगी। और एक अक्सर मुहावरतन एक चीज़ कहा जाती है कि जा तो तुम खुशी से रहो, वापस तुम चार कंधों पे आओ, मतलब मैयत ही वापस आएगी। तो इस पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। तो अगर देखा जाए तो ज्यादातर परवरिश करने वाली माएँ होती हैं और अच्छी माएँ अच्छी परवरिश करती हैं। और ये भी नहीं मैं कह रहा कि दूसरी जो बुरी माएँ ये नहीं मैं कह रहा, लेकिन एक पर्सपेक्टिव है कि वो एजुकेट है या इंटेलेक्ट है कि उनके पास ये अगर एक नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, तो वो उसी के मुताबिक ही फिर आगे परवरिश करती है। बिल्कुल। तो आप लोग बात कर रहे हैं तो आपको लोग अक्सर लोग फेमिनिस्ट भी समझेंगे, राइट? लाजमी बात है। तो अब मुझे ये बताएं कि ये कोई मिसकंसेप्शन है, कोई गलत होगा कि आपको फेमिनिस्ट कहा जाएगा, और या मुझे बताएं कि अगर आप खुद को एज अ फेमिनिस्ट पोर्ट्रे करते हैं तो आपको कभी इसका वो हुआ है कि आपको किसी ने बैड फील कराया आपको इसके बारे में कि यार तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या काम कर रहे हो? तो सबसे पहले ये होता है कि आप जब किसी को कोई टैग लगाते हैं तो आप कहते हो आप इस कम्युनिटी से हैं। बिल्कुल। अब मैं जिस तरह हूँ, मेरा नाम है सुभान भट्ट, तो हमें कहते हैं कि भट्ट जात है, ये कश्मीरी कम्युनिटी है। हाँ, हाँ। और ये इसको ही रिप्रेजेंट करेगा। बिल्कुल। अब जब फेमिनिस्ट लगता है या फिर एक मेल के लिए तो मिसोजिनिस्ट लगता है, तो उसमें अब ये क्राइटेरिया आ गया। अब आप कह रहे हो कि उसमें हमें वो कोई नेगेटिव फील करवाया जाए या हमें एक हकारत की नज़र से देखा जाए या इस तरह, तो उसमें दो चीज़ें हैं कि अगर एक हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये कहते हैं कि अगर आप जिस बात चीज़ के बारे में आप बातचीत कर रहे हो आपके पास उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। बेशक, बेशक। अगर मेरे सामने एक बच्चा बैठा हुआ है जिसका मुझे पता है कि वो फेमिनिस्ट है, वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, और उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, मेरे पास उससे ज़्यादा नॉलेज है, तो मैं तो उसको लेट डाउन कर दूंगा। अब इसी तरह जब मेरे पास अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो अगले के पास मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, मुझे लेट डाउन करेगा। और अगर बैलेंस पे देखा जाए तो मेजोरिटी ऐसी है जिनके पास नॉलेज नहीं है। बिल्कुल। ये तो पाकिस्तान इन अ नटशेल बात कर दी आपने कि उनको नहीं। और अगर मैं एज अ फेमिनिस्ट ग्रुप को पोर्ट्रे करूंगा तो वो मेरे पे है कि मैं उसको किस तरह अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। अगर मैं इधर
एज अ पाकिस्तानी होकर पाकिस्तानी रीजन में रहते हुए एक वेस्टर्न कल्चर की पर्सपेक्टिव से देखूंगा तो मेरे ख्याल से शायद मैं उस चीज में ना थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा हूँ। क्योंकि हमारा रहने सहने का तरीके कार खाने पीने का तरीके का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। बेशक हम अपने कल्चर में इतने स्ट्रॉन्ग ना हो लेकिन कुछ इस तरह की वैल्यूज है जिसको हम पोर्ट्रे नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, आपने बिल्कुल सही बात किया ना। एक्चुअली एग्री विद दैट। मोहिब, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, मैं सुभान की ही बात को आगे लेके चलूंगा कि आपको पता है कि पाकिस्तान जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहाँ 70% से ज्यादा इलिटरेसी है, ठीक है। तो आप ये तो आप छोड़ देना कि आपने जो अपना जो आपके यानी अकायद हैं जो आपके नजरियात हैं अगर वो आप शेयर कर भी रहे ना तो बहुत मुश्किल है कि लोग जो हैं वो उसको एग्री करें। सही है, बिल्कुल बेशक। तो मेरा ये मानना है कि जो भी आपका नज़रिया हो ना तो उसको आपको छुपा के नहीं रखना चाहिए और आपको बताना चाहिए। अगर आप फेमिनिस्ट हैं और आप अगर नहीं भी हैं तो एटलीस्ट आप कुछ यानी अपने आइडियाज़ शेयर करने चाहिए कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, ठीक है। और फेमिनिज़म बेसिकली हमारे यहाँ मिसकॉन्सेप्शन है लेकिन असल में तो ये काफ़ी एक पुरानी एक चली आ रही है, ठीक है। और मकसद बिल्कुल अलग है अगर, लेकिन वो पोर्ट्रे सही तरीके से नहीं हो रहा, डिफरेंट स्लोगन्स आ गए हैं अजीब तरीके के, तो वो एक मिसकॉन्सेप्शन फैला रहे हैं। लेकिन असल में जो इसका मकसद है वो एक इम्पॉर्टेंट है और वो खवातीन को उनके हकूक दिलवाना है और उसकी अगर हम लोग उसको अगर हम लोग प्रमोट करते हैं और उसके बारे में अगर बोलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हिफाकत यानी कोई होनी चाहिए। मुझे ये बताइएगा, अभी आपने स्लोगन्स वगैरह की बात की तो आपको क्या लगता है कि अब इट्स 2024 राइट, और अब हम एक न्यू जनरेशन की तरफ जा रहे हैं, न्यू टाइम की तरफ जा रहे हैं, तो क्या ये औरत मार्च जो है वो आउटडेटेड हो गया अब? मतलब कोई कुछ नया होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, या मतलब इसको ऐसे ही लेके चले आगे? सबसे पहले अगर स्लोगन की बात करें तो पुराने स्लोगन्स की चलें बात कर लेते ताकि एक चीज़ को लेके चले हैं और साथ साथ जरूर, जरूर। अब एक स्लोगन बहुत मशहूर हुआ था जो कि वर्ल्ड वाइड था, मेरा जिसम मेरी मर्जी। ये आपने बड़ी कंट्रोवर्शियल स्पाइसी बात कर दी। आप कंट्रोवर्शियल उसको ना लेके जाए ना, आप उसको सही गलत में ना कहें, आप उसको समझने में कहें, समझने में बिल्कुल ठीक है। अब हर बंदे की एक डिफरेंट डेफिनेशन है, राइट क्योंकि एक स्लोगन न्यू डेफिनेशन, अब जिसके हाथ में वो आ रही है वो उसको थियोराइज करके करी जा रहा है कि ये एक डिफरेंट और इस तरह, बेशक ये वेस्ट से आया या ईस्ट से आया हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ना चाहिए कि इसका कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि नहीं है। अक्सर हमारे मुआशरे में ऐसे मुहावरात होते हैं जो कि बोलने में कुछ बुरे होते हैं लेकिन उसको हम अगर इम्प्लीमेंट करते तो ठीक होते हैं। और अगर मैं आपको इसके मुहावरों की अगर दे दूँ कि हम अक्सर कहते हैं कि अगर कोई बंदा गिरता है तो हम उसको कहते हैं कि आप अंधे हो, ये मुहावरा ठीक है, बस फनी लगता है और इस तरह लगता है। लेकिन अगर कोई उधर डिसेबल बंदा खड़ा हुआ है उसके लिहाज से उसके पर्सपेक्टिव से वो एक बहुत गलत चीज़ है, आप उसको नहीं कर सकते। मैं कुछ दिनों पहले मैं एक मीट कन्वेंशन में था, वहाँ पे वो डिसेबल थे जर्नलिस्ट आए हुए थे, CIDP के वो हेड हैं। तो अब वो भी इस चीज़ को हमें जो है ना कम्युनिकेट कर रहे थे, वो खुद डिसेबल थे और उनको वो देख नहीं सकते थे। वो जब हमें इस मुहावरों के बारे में बता रहे थे वैसे हम इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन अब जब कंसिडर करना शुरू हुए तो मुझे अक्सर कि अगर दोस्तों से मजाक कर रहे हैं तो महावरतन अगर कोई बोलते हैं तो मेरे जहन में एक चीज़ आती है कि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, हो सकता है कि किसी को बुरा लग सकता है। अब इसी तरह जब ये मेरा जैसे मेरी मर्जी है, अब इसके साथ और डेढ़ सारे होंगे कि अपना खाना खुद बनाओ, अपनी रोटी खुद बनाओ। अब ये वो है जो कि प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, उसको आप साइड आउट करते हैं, लेकिन जब वो एक चीज़ को आपने पॉजिटिव चीज़ को जब नेगेटिव पोर्ट्रे ही कर दिया ना तो आप उसको ये नहीं कर सकते कि चले आप इसको कहते ना एक चीज़ गंदी है उसको आप साफ करें। अब लोगों का एक माइंडसेट हो गया कि ये चीज़ बुरी है तो उसको नहीं करेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक उनको प्रॉपर हम इंटेलेक्चुअल के साथ ये समझाएंगे, बेशक ऐसी जुबान इस्तेमाल करें जिसमें उनको समझ आए। हम ये इस्तेमाल करते हैं आम लोग कि वो जुबान इस्तेमाल करें जिसमें उनको समझ आए। तो आपके ख्याल में मोहिब, आप भी इस पे बात जरूर कीजिएगा कि उनको लोगों को हमारी, जिस तरह आपने कहा कि हमारा लिटरेसी रेट बहुत थोड़ा है, लोग तहकीक नहीं करते। लिटरेसी रेट तो बात की बात है, पहले तहकीक तो करें ना चीज़ों की। अब उनको, अब आम आवाम को या इवन पढ़ी लिखी आवाम को किस जुबान में ये समझ आएगा कि ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी या इस तरह के कोई और स्लोगन्स हैं, इनका मतलब ये नहीं है जो हम समझते हैं। उनको आप किस तरह, आप व्हाट डू यू से कि हम स्लोगन ही बदल दें? देखें, आपने भी बात की कि हम लोग तहकीक नहीं करते, ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। क्योंकि अगर आप देखें ना हमारी सोसाइटी में एक आम रवैया देखें तो हमारे ये कि चाहे वो किसी भी एतबार से हो, चाहे वो मज़हब के एतबार से हो, कल्चर वाइज हो,
हम लोग चीजों को तस्लीम पहले कर लेते हैं ठीक है और उसकी तहकीक बाद में करते हैं ठीक है, जबकि बंदा ये कि पहले हम उसकी तहकीक करें और बाद में उसको एक्सेप्ट करें ठीक है। अब फॉर इंस्टेंस अगर आप ये स्लोगन ले लें कि जो मेरा जिस्म है मेरी मर्जी है, तो इसको लोगों ने एक जो पहला रिएक्शन जो आवाम का है ना इस के ऊपर वो यही था कि वो ये समझे जो मीडिया ने उनकी एक परसेप्शन बना दी कि ये तो नाउज़ुबिल्लाह ये कोई मज़हब पे वार है या कुछ ऐसा कुछ करके है, तो लोगों ने इस चीज़ को अच्छा नहीं लेना था। जाहिर सी बात है आपके मुल्क में जो है वो मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, तो वो आपको पता है फिर जब आप उनके एहसास को ज़रा उभारेंगे तो फिर तो वो बल्कि उनको मेरे ख्याल में उनको आप मुसलमान भी नहीं कह सकते, आप उनको हर मज़हब के एक्सट्रीमिस्ट कह लें या आप जो भी कह लें अब, लेकिन मसला यही है कि जब तक सही से उस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी ना जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो फिर इसी तरह के मिसकंसेप्शन आपके सामने आएंगे। सुभान, आपको क्या लगता है कि हमें ये चेंज कर देना चाहिए या हम इसको अपना टाइम स्पेंड करें कि लोगों को एजुकेट करें नोइंग के शायद इनको ना ही समझ आए? इसमें आप इसको दो पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, एक है कि एक चीज़ गलत हो गई है और उस पर हम इतना ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं कि उसको ठीक करें, और अगर लोगों की मिसकंसेप्शन ठीक नहीं होती तो इसका मतलब हमारा टाइम को ज़ाया। और दूसरी साइड पर यह है कि हम एक ऐसा पावरफुल कंसेप्ट लेकर आएँ कि जो लोग एक्सेप्ट भी करें, फैमिलीज एक्सेप्ट करें और उसको आगे लेके चलें, तो मेरी नज़र में सेकंड ओपिनियन ज़्यादा बेहतर है कि आप एक न्यू स्ट्रेटेजाइज तरीके से आप आज की जनरेशन के हवाले जैसे जनरेशन जीक जिसको हम कहते हैं उसको देखते हुए आपको एक नया टॉपिक लाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे बड़े और इस तरह की चीज़ों को प्रैक्टिस करते थे वो उनकी नॉलेज के मुताबिक था। आजकल जो टेक्नोलॉजी मर्जर भी और AI वगैरह और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, साइंटिफिक अपडेशन आ रही है, तो उसके मुताबिक मेरे ख्याल से आपको एक नई कहते हैं थ्योरी या एक स्लोगन या नया पर्सपेक्टिव लेकर आना चाहिए। जिस तरह ब्रांड्स भी अक्सर करते हैं अपना स्लोगन चेंज कर लेते हैं कि उन्होंने एक मार्केट के अंदर या लोगों में अपनी चीज़ों को मनवाना होता है। जी बिल्कुल। अब एक और है, मुझे औरत मार्च से रिलेटेड एक मुझे एक बात याद आई कि जब भी औरत मार्च आता है तो बीच में मुझे एक चीज़ बड़ी अजीब लगती है, आप प्रोपेगेंडा कह लें या वाकई किसी की जेन्युइन फीलिंग्स कह लें, कि जब हम औरत मार्च के बारे में बात करते हैं तो आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करें इतने कमेंट्स होते हैं कि भाई आदमियों का कोई क्यों डे नहीं है, व्हाई इज़ देयर नॉट अ मेंस डे व्हिच आई बिलीव देयर इज, लेकिन वो कहते हैं कि ये क्यों इतना सेलिब्रेट होता है तो वो क्यों नहीं इतना सेलिब्रेट होता। तो देखा जाए मेरे ख्याल से शायद वो कुछ हद तक सही बोल रहे हैं कि अगर आप देखें कि आदमी अपनी प्रॉब्लम सबसे पहले एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, उनको हम इमोशंस के बारे में नहीं होते, वो अपने इमोशंस के बारे में एक्सप्रेसिव नहीं होते, वो अपने आप को थोड़ा सा कंजर्व रखते हैं ताकि अपने आप को एक जेंटलमैन के तौर पर दिखा सकें, वो नहीं अपने इमोशंस दिखाते, तो अपना वो नहीं दिखाते, इस तरह पोर्ट्रे नहीं करते। अब उसकी साइड पर दूसरी साइड पर देखें दुनिया में जो सबसे ज़्यादा सुसाइड होती है वो मेल करते हैं ना कि फीमेल करते हैं, और उस क्यों करते हैं, डिप्रेशन हो या सोशल एंजाइटी हो या मेन सोसाइटी का इशू उन पे बर्डन हो और बात नहीं करते और वो उसके बारे में पोर्ट्रे नहीं करते, तो एक तो साइड पे आप ये कह लो कि वो खुद ही नहीं चाहते कि हमारे या तो मुश्किलात हैं या जो भी इश्यूज हैं वो डिस्कस हों, क्योंकि एज अ मेल मुझे लगता है कि अगर मैं अपने इमोशन सबके सामने लाऊंगा तो मैं अपने आप को थोड़ा सा कंजर्वेटिव और थोड़ा सा कमतर समझूंगा, वीक समझूंगा, और दूसरी साइड पे अगर देखा जाए कि अगर इसके बारे में डिस्कशन होती है तो शायद मुझे मौका मिल जाएगा, मेरे जैसे लोग जब मुझे मिलना शुरू हो जाएंगे मैं उनके बारे में ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाऊंगा। तो एज अ मैन आपको कभी कोई सेफ स्पेस किसी ने प्रोवाइड किया कि आप उस मर्द बन मर्द वाली सोच से निकल के आप भी, जिस तरह खवातीन को भी बहुत सपोर्ट मिलती है तो आप लोगों को भी इस तरह की सपोर्ट मिली है, हम घर के हवाले से देख लें या दोस्तों के हवाले से देख लें? इसमें एक चीज है कि स्पेस का आप तब क्राइटेरिया कर रखे ना जब उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो। अब जब आप एक है कि हम समझते हैं अक्सर मेल जो हैं या तो बजाते खुद में अगर कोई हमें टेंशन आती है तो हम कहते हैं हम इसको खुद ही कंट्रोल कर डील कर लेंगे, कोई हमें किसी पे डिपेंड करने की जरूरत है, हम इंडिपेंडेंट हैं। दूसरी साइड पे आपने जो कहा कि डिपेंडेंसी वाली बात है, तो मैं तो एक बजाते खुद ये कहूँगा कि आप तो भूल जाएंगे कोई मर्द जो है ना अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स के बारे में किसी पे डिपेंड होना चाहेगा। अच्छा, मतलब वो चाहते ही नहीं है, वो डिपेंड नहीं होना चाहते। अगर उनको कोई हल नजर आए तो ठीक है, कर लेंगे, लेकिन अब जिस तरह आप कह लें कि किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना है या किसी फ्रेंड के पास जाना, अक्सर दोस्त ही दोस्त का कहते हैं हाल जानता है, तो या तो उनको बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टुडे मोहिब, मेरे बचपन के दोस्त, और सुभान मेरे ब्रांड न्यू फ्रेंड, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद।